नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हजारीबाग जिले के अंतर्गत विष्णुगढ़ प्रखंड के राजकृत मध्य विद्यालय नरकी कला में बच्चों और शिक्षकों के द्वारा पेड़ पौधे लगाने में विशेष ध्यान दिया जाता है। इस संबंध में 8वीं कक्षा के छात्र करण पंडित ने कहा कि पेड़ पौधे लगाने से हमें शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ पौधे के बिना कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता, इनसे अनेक तरह के लाभ मिलते हैं। वे विद्यालय के प्रभारी राजेंद्र रजक ने कहा कि विद्यालय में बागवानी लगाना बहुत जरूरी है, पूर्व से ही इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बागवानी को देखकर मन में शांति मिलती है। हर विद्यालय में पेड़ पौधे लगाए जाए ताकि शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष सरयू महतो और कई शिक्षक उपस्थित थे। बागवानी के प्रति मुझे शुरू से ही लगाव रहा है, क्योंकि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय टीलमघाट में पढ़ा हूँ और इस प्रकृति के बारे में और पौधों के बारे में शुरू से ही, जब से मैंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया तब से ही उनके प्रति लगाव रहा है। और जब मैं यहाँ 2016 से प्रभार में हूँ, बीच में 2018 में हमारे वरीय शिक्षक प्रभार में थे, उनके रिटायर होने के बाद 2020 में फिर से मैं प्रभार में रहा। इस दौरान पूर्व के शिक्षकों द्वारा भी पौधारोपण का कार्य अच्छे से किया गया था और उनको मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि पेड़ पौधे जो है वो हमें तरोताज़ा रखने में मदद करते हैं, मन को शांति प्रदान करते हैं और शांत वातावरण में शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य सुचारू रूप से अच्छे से हो पाता है। इसी कारण से हमने ये प्रयास किया कि मेरा विद्यालय का जो परिवेश हो वो पूरा एकदम हरा भरा रहे, ताकि बच्चे और शिक्षक स्वस्थ रहें और शांत वातावरण में अच्छे से पठन पाठन का कार्य हो सके। वी टाइम न्यूज के लिए बोकारो झारखंड से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट।